तो अगर आप भी कबड्डी के मैचेस में पैसे कमाने आए थे और यहाँ पे आके आपका लॉस हो रहा है, बस आपको एक ही चीज कहूंगा कि कल के कबड्डी के मैचेस के दो के दोनों मैच मैंने आपको जिताए हुए हैं। आज एक बार फिर से पुनेरी और तमिल के बीच में होने वाले मैच को कवर करेंगे। यहाँ पर मैं वापस से दो ऐसे रिस्की प्लेयर के बारे में बताऊंगा जो कि आपको ये वाले मैच जिताने वाले हैं। आपको जीएल में कैसे रिस्क लेना होगा, स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है, सभी चीजों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए फ्री का लाल बटन है, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। और अगर आप मेरे खुद की फैंटेसी टीम से पैसे लगाने का सोच रहे हो, तो जिस भी टीम से मैं खुद अपने पैसे लगाऊंगा वो टीम मैं अपने टेलीग्राम और चैनल का आपको टॉस होने के बाद अपनी फाइनल टीम आपको स्क्रीन शॉट के जरिए फ्री में भेज देता हूँ। और इस वाले कबड्डी मैच की भी फाइनल टीम आपको टॉस होने के बाद इसी चैनल को फ्री में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम और चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स से फ्री में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। ना मिले तो सीधे सीधे कमेंट सेक्शन बॉक्स से जाना, सबसे पहला आपको जो कमेंट पिन किया हुआ देखने मिलेगा उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। आगे ना ले कबड्डी हो गया, बीबीएल हो गया, सारे मैचेस की फाइनल टीम आपको इसी चैनल को फ्री में मिल जाएगी। सबसे पहले ये जो मैच हम सभी को मालूम है कि पुनेरी की टीम के जीतने के 99% करीब चांस है, पूरा चांस ये है कि पुनेरी की टीम ही ये मैच जीतने वाली है। पुनेरी की टीम ने इस सीजन में सिर्फ अपना एक ही मैच हारा हुआ है 9 में से, वही तमिल की टीम ने इस सीजन में अपने सिर्फ दो ही मैच जीते हुए हैं 9 में से। यानी कि एक टीम ऐसी है जो कि कभी मैचेस हार ही नहीं रही है और दूसरी टीम ऐसी है जो कि कभी मैचेस अपने जीत ही नहीं रही है। तो पूरी तरीके से चांस ये है कि पुनेरी की टीम ही ये मैच जीतने वाली है। आपको 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बना करके चलने की कोशिश कर रहा है। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको मेनली कहूँगा कि पुनेरी के प्लेयर्स का आप पोजीशन चेक करोगे तो यहाँ से मोनू गोयत हो गया जो कि आपको राइट से रेड करेगा, पी मोहित हो गया जो कि आपको राइट से रेड करेगा, और यहाँ से एम चियाने जो कि आपको लेफ्टी कॉर्नर नजर आने वाला। कॉर्नर के प्लेयर कबड्डी के मैचेस के लिए सबसे ज़रूरी रहते हैं, और कॉर्नर के प्लेयर अगर आप एम चियाने का पोजीशन देखोगे वहाँ पे आपको एम चियाने यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर नजर आएगा। यही नामदार भी आपको कई बार आपको टैकल से पॉइंट्स यानी कि ऐसा डिफेंडर भी पॉइंट्स दिला करके जा सकता है, लेकिन ये जो है मेनली रेडर भी है। हर मैच कोशिश यही करता है कि 70-80-90 पॉइंट्स दिलाए जाए और कोशिश ये करता है कि सामने वाली टीम को बिल्कुल भी पॉइंट्स ना दे। और इनामदार एक ऐसा प्लेयर है जो कि आपको लेफ्ट से रेड करते हुए नजर आएगा, यानी कि ज्यादातर जो रेडर्स होते हैं वो राइट से रेड करते हैं, लेकिन इनामदार आपको लेफ्ट ही रेडर देखने को मिलेगा। वही डिफेंडिंग ऑप्शन में आपको सबसे पहले गौरव खत्री जो कि आपको एक और कॉर्नर का प्लेयर है, ये जो आपको नजर आएगा राइट कॉर्नर के ऊपर नजर आएगा। एस सावंत जो आपको यहाँ पे लेफ्ट कवर के ऊपर नजर आएगा, ए नदरासन जो आपको सामने देखोगे तो राइट कवर के ऊपर नजर आने वाला है। यानी कि सबसे जरूरी ये वाले मैच के लिए कौन रहेगा, अगर आप सबसे जरूरी प्लेयर की बात करोगे तो देखोगे तमिल के पास ना यहाँ से अजिंक्या पवार है और नरेंद्र होशियार है, ये दो इनके मेन रेडर्स हैं, ये दोनों जो हैं इनके मेन रेडर्स हैं। इनके डिफेंडर्स में अगर आप चेक करोगे एम अभिषेक हो गया जो कि भले ही इसका नाम ऑलराउंडर्स में है लेकिन मेनली ये भी आपको एज अ डिफेंडर ही खेलते हुए नजर आएगा। साहिल गुलिया जो कि आपको लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर नजर आने लाए, कॉर्नर का प्लेयर है। सागर जो कि कई बार जब भी ये खेल रहा है तो तमिल की टीम ओर से कप्तानी भी कर रहा है, ये आपको राइट कॉर्नर के ऊपर नजर आने वाला है। मोहित हो गया, ए बसामी हो गया, ये सारे प्लेयर खेल रहे हैं। मेनली मैं आपको कहूँगा ये वाले मैच क्रेडिट इश्यू आपको काफ़ी ज़्यादा होगा, तो पहले आपको ध्यान ये देना है कि पुनेरी के कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको आप ले करके चल सकते हो। पुनेरी के अगर आप एकदम सेफ और एकदम सही प्लेयर्स को लेकर के चलने की सोचो तो यही 5 वो प्लेयर है पुनेरी के जो कि सबसे जरूरी और सबसे सही है, और इस वाले पूरे सीजन में सबसे सफल टीम इसलिए भी रही है क्योंकि इनके प्लेयर्स को लेने में कोई भी कुछ भी सोच नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इनामदार का अगर आप परफॉर्मेंस इस सीजन का देखोगे तो एक हर मैच में ना इसने अच्छा ही परफॉर्म किया हुआ है। इसने 8 रेड पॉइंट्स निकाले हुए हैं जिसमें इसके अनसक्सेसफुल जो रेड रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 रहे हैं,
यानी कि सक्सेस पॉइंट्स अनसक्सेस का इसका रेट जो है काफ़ी कम रहेगा। तीन बार इसने टैकल किया जहाँ पे सक्सेस हुआ और एक अनसक्सेसफुल भी हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी देखोगे सिर्फ एक ही टैकल जो है अनसक्सेसफुल हुआ जो कि सही नहीं गया। इससे पहले वाले मैच में इसने एक भी टैकल ऐसा नहीं किया जहाँ पर यह सामने वाली टीम को पॉइंट्स दे करके गया हो। उससे पहले वाले मैच में भी इसने दो टैकल सक्सेस किए हैं लेकिन एक ही टैकल हुआ है जो कि इसका अनसक्सेसफुल रहा है, यानी कि सामने वाली टीम को पॉइंट्स से बिल्कुल देने वाला प्लेयर ही नहीं है। वापस से देख सकते हो, एक भी टैकल सामने वाली टीम को ऐसा कोशिश नहीं किया, एक ही टैकल करने कोशिश किया वो भी सक्सेस किया हुआ है। तो ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि अपनी टीम को ना कभी भी माइनस में पॉइंट्स दिलाने में भरोसा रखेगा ही नहीं, और जब भी कोई कोशिश करेगा तो उसमें पूरी तरीके से अगर एक बार कोशिश इसकी गलत चले गई तो आगे से कोशिश ही नहीं करेगा, यानी कि कोशिशें सिर्फ उतनी ही कर रहा है जितने में सामने वाली टीम को पॉइंट्स मिले ही ना। तो ये नामदार एक ऐसा प्लेयर है जिस दिन इसका दिन होगा कोई भी इसको नहीं रोक पाएगा, लेकिन जिस भी दिन इसका दिन सही नहीं होगा उसी ने अपने आप को खुद ही रोक लेगा। एमो चियाने एक ऐसा डिफेंडर है जो कि इसी बीबीएल इसी कबड्डी के सीजन में नहीं अपने आप को फेमस किया है, और हर सीज़न में जब भी कबड्डी प्रो कबड्डी की सीरीज होती है चियाने को सभी लोग कैप ऑफ इसी लेकर के चलते हैं, और इस सीज़न में भी इसने वो चीज़ बरकरार रखा है। ये एक ईरान का प्लेयर आपको मालूम होगा, जिस तरीके का परफॉर्म करता है ना देखोगे इसके सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छे हैं, और ये एक अग्रेसिव प्लेयर भी अब धीरे धीरे बनने लग गया है क्योंकि हर मैच में ये 5 से लेकर के करीब 10 के बीच टैकल करने की कोशिश कर रहा है, और हर मैच में इसके टैकल पॉइंट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एम चियाने आपके लिए एक ज़रूरी प्लेयर रहेगा क्योंकि कॉर्नर का प्लेयर रहेगा। ए नदराजन भी आपके लिए ज़रूरी प्लेयर रहेगा क्योंकि जितने भी राइट से रेड करने वाले रेडर्स आएंगे सबसे पहले ये नदराजन और एम चियाने के पास ही जाने वाले हैं, और तीसरे नंबर पर गौरव खत्री के पास जाएंगे। अगर आपका मन है एस सावंत का कोई इतना रोल नहीं है, लेकिन अगर आपका मन है आप एस सावंत और यहाँ से पी मोहित के ऊपर भी रिस्क ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं लेकर के चलने को नहीं। अब जो बचे हुए दो प्लेयर है ना वो आपको तमिल के प्लेयर्स में ही लेकर के चलने की कोशिश करना है, यहां पर आपको कोई भी रिस्क लेकर के नहीं चलना है। दो और रोदस पहले ही हमने पुनेरी की आवृत्ति में कवर कर लिया है, अब मैं अपने बचे हुए दो प्लेयर्स होंगे ना इसमें आपको रहेगा क्रेडिट इशू। अगर आप किसी एक मेन प्लेयर को ले ले रहे हो तो किसी भी अच्छे प्लेयर को अपनी टीम में नहीं ले पाओगे, तो यहां पर जो क्रेडिट इशू रहेगा मैं कौन से बचे हुए दो प्लेयर को लूंगा उससे पहले अगर आप इस मैच मेरे टीम से पैसे लगाने का सोच रहे हो तो उसके लिए आपको हमारे राम चैनल को ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां पर ज्वाइन होना आपके लिए जरूरी भी आसान भी एकदम फ्री भी रहने वाला है। आगे नले बीबीएल हो गया, कबड्डी हो गया, वुमेन्स का मैच हो गया, ये सारे मैचेस की फाइनल टीम आपको इसी चैनल को फ्री में भेज दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में फ्री में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। ना मिले तो सीधे सीधे कमेंट सेक्शन बॉक्स से जाना, सबसे पहला आपको जो कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहीं पर मैं अपनी फाइनल टीम आपको आखिरी के 5 मिनट में भेज दूंगा जिस भी मैच को मैं कवर करूंगा, यानी कि जिस भी मैच में मैं अपने पैसे लगाने वाला हूंगा। सबसे जरूरी क्योंकि सागर ऐसा सब्स्टिट्यूट प्लेयर खेलने वाला है, अगर सागर को मौका मिल रहा है तो ये कहीं से भी खराब प्लेयर नहीं है, और सागर का जो आपको नजर आएगा ये भी आपको राइट कॉर्नर के ऊपर नजर आएगा, तो अगर सागर को खिलाया जा रहा है तो मैं इसको लेकर के चल लूंगा। क्योंकि अगर आप ये दोनों में से किसी को भी ले रहे हो, चाहे अजिंक्या पवार को लो या फिर नरेंद्र होशियार को लो, तो इनका क्रेडिट इतना ज़्यादा है ना कि उसके बाद ना ही आप साहिल गुलिया को ले पाओगे ना ही आप सागर को ले पाओगे। तो यहाँ पर अब आपको सोचना ये है कि आपको तमिल के रेडर्स को लेना है या फिर तमिल के डिफेंडर्स को लेकर के चलना है। मेरा मन ये है कि मैं एक रेडर को लेकर के चलूँ और एक डिफेंडर को लेकर के चलूँ, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि क्रेडिट इशू काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं अभी के लिए बस्तामी को लेकर के चल रहा हूँ। आप जो 11वां जो अपना आखिरी प्लेयर होगा ना, अगर सागर को यहाँ पे खिलाया जाएगा तो मैं सागर को ले लूँगा, लेकिन अभी के लिए मजबूरी में साहिल गुलिया को लेकर के चलने का सोच रहा हूँ। अभी के लिए मैं कैप यहाँ पे एम चियाने को मनु गोयत को वीसी लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन अगर आपका मन है आप इन दोनों को कैप वीसी इंटरचेंज करके भी चल सकते हो। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है, बाकी फाइनल टीम जो भी होगी ना वो मैं टॉस होने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल का आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स से फ्री में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। ना मिले तो सीधे सीधे कमेंट सेक्शन बॉक्स से जाना, सबसे पहला आपको जो कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। आगे नाले बीबीएल हो गया, कबड्डी हो गया, सारे मैचेस की फाइनल टीम अपने इसी चैनल का आपको फ्री में भेजने वाला हूं। अगर आप रेडर्स को लेने की सोच रहे हो वहां पर काम कर सकते हो
क्योंकि ये बसामी को ना लेकर के, अरसाइल गुलिया को ना लेकर के आप यहाँ से अजिंक्य पवार और नरेंद्र होशियार में से किसी एक को लेकर के आप यहाँ से बसामी को लेकर के एक ही रिस्क लेकर के चल सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि डिफेंडर्स को ही लेकर के चला जाए। बाकी जो भी फाइनल टीम होगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में भेज दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके लिए फ्री का लाल बटन है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो फ्री का लाइक कर लेना। आपको इस वीडियो पर लाइक करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। और जय श्री राम का कवच करके जरूर जाना।